हेलो फ्रेंड्स, रॉयल इनफील्ड ने फाइनली अपनी 650 सीसी की इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी दोनों को ही लॉन्च कर दिया है मिलान में। और काफ़ी दिनों से सब लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि 750 में होगी या 650 में होगी, बट फाइनली इसने क्लियर कर दिया कि हमारा ये न्यू बाइक जो है 650 सीसी की होगी, जिसका परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक 650 सीसी में 47 bhp की पावर और 52 nm का टॉर्क देगी। और इसमें 6-स्पीड गियर बॉक्स होगा, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन होगा, ऑयल कूल्ड होगा, लिक्विड कूल नहीं होगा। और जिसका डायमेंशन वाइज जो है ये 174 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस होगा, जो इंडियन कंडीशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले रॉयल इनफील्ड थोड़ा बहुत टच हो जाती थी नीचे इंजन, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सीट हाइट 804 mm में रखा है, वो भी बहुत अच्छा है। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13.7 लीटर का और टोटल वेट है 202 kg का। ये इजीली मैनेज हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेलोड कैपेसिटी 200 kg है। और ब्रेकिंग में अगर देखें तो इसका जो है ब्रेक जो है 220 mm डिस्क ब्रेक है ABS के साथ फ्रंट, और 240 mm है डिस्क ब्रेक के साथ, डिस्क ब्रेक ABS के साथ रियर। और इसका फ्रंट टायर 100 mm और रियर टायर 130 mm का है। ये सारी स्पेसिफिकेशन वाइज ये इसका ये इंटरसेप्टर का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इन्होंने इसको अपनी सारी स्पेसिफिकेशन सारी डिटेल इनकी वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया है। तो ये ऑरेंज कलर में जो इन्होंने वेबसाइट लॉन्च किया, ये भी बहुत खूबसूरत है। और जो वीडियोज आ रही हैं, स्पाइस शॉट्स आ रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। तो अब हम वेट करेंगे कि कब तक ये लॉन्च करती है और कैसी होती है हमारी इंटरसेप्टर। वैसे कुछ कमेंट मैंने ऐसे भी सुने हैं कि मोर पावर मोर वाइब्रेशन, तो अब इन्होंने वाइब्रेशन कितना कम किया है और कितना मेंटेन रखते हैं, कितना कंट्रोल करते हैं, ये तो फ्यूचर बताएगा। और अभी तो इंडिया में लॉन्च करने का भी इनका कोई मूड नहीं है, इंडिया में 2018 के लास्ट तक ही आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।